सहारनपुर में थाना कुतुब शेर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का एक सदस्य 8,000 के नकली नोट के साथ पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। 4 दिन पहले थाना कुतुब शेर पुलिस के हाथ पोपी नाम का एक युवक लगा था। उसके कब्जे से 8,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। पोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह नकली नोट को असली बनाने के लिए स्टाम्प पेपर को फाड़ कर उससे तार निकाल कर नकली नोट में इस्तेमाल करते थे। पोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था और अब उसके बताए ठिकाने पर दबिश डाली तो मौके से नकली नोट छापने के इस्तेमाल में आने वाले लैपटॉप, प्रिंटर, स्टाम्प पेपर सहित अन्य उपकरण बरामद हो गए। मौके से ही इस गिरोह का सरगना विकास भी पकड़ा गया, जो लंबे समय से नकली नोट छाप कर बाजार में चला रहे थे। पकड़ा गया विकास। इस ग्रोह का एक सदस्य को पॉपिन पहले ही जेल भेज चुका है। करके चलाने का प्रयास कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने उससे जो पूछताछ की, उसमें उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए और उसी क्रम में आज ये इनके सदस्य दूसरे एक व्यक्ति हैं, ये पकड़े गए हैं। विकास नाम का ये अभियुक्त जो है, ये भी पूर्व के अभियुक्त के साथ में ये घटनाएं करता था। इनके गिरोह के अभी तक 5 सदस्य पूरे सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इनसे हमको पूछताछ में एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और स्टाम्प पेपर और अन्य सामग्री मिली है, जिसका उपयोग ये नकली नोट बनाने में करते थे। जो तरीका इनसे पूछताछ में सामने आया है, उसमें पता चला है कि ये स्टाम्प पेपर को बीच में से काट के स्टाम्प पेपर को 2 हिस्सा कर लेते थे और उसकी जो 2 हिस्सा करने के बाद उसमें 200 रुपये का जो तार होता है, जो टेप लगी होती है 200 रुपये के अंदर, उसको काट के उसको 2,000 के नोट में लगा के उसका वाटरमार्क का प्रिंट निकाल के और फिर उसको चिपकाने के बाद उसका कलर प्रिंट करके ये नोट पूरा तैयार करते थे और इसको ये इस्तेमाल करते थे। अक्सर इनके इस्तेमाल का तरीका यह होता था कि ये ऐसी दुकान या ऐसा मकान या ऐसा कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चुनते थे जहाँ पर कि कोई बुजुर्ग हो या असक्षम व्यक्ति हो, या वहाँ पे अंधेरा हो, बिजली की व्यवस्था पूरी ना हो, या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। इन बातों का ख्याल रखते हुए ये वहाँ जाते थे और मौका देखकर 200-300 का सामान खरीद के अपना 2,000 का नोट वहाँ चलाते थे। सर, स्टाम्प पेपर कितनी मात्रा में मिले, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन को स्टाम्प पेपर मिल नहीं पाते, तो क्या कोई स्टाम्प पेपर विक्रेता भी इनसे जुड़ा हुआ है? जो स्टाम्प पेपर मिले हैं उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। स्टाम्प पेपर विक्रेता का भी हमको पता ज्ञात हुआ है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और स्टाम्प पेपर कब इश्यू किए गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।